कल्याण आता ना हमें। चलिए वी आर गोइंग टू रिवाइज सम चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम ये तीन या चार चैप्टर्स क्विकली रिवाइज कर दें। द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल योर चैप्टर्स कीप इन योर माइंड वन थिंग कि आपका जो एक्स्ट्रा कोलेटरी क्वेश्चन होता है, एक्स्ट्रा कोलेटरी क्वेश्चन मतलब जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, दैट मे बी बेस्ड ऑन अ थीम और अ मैसेज। या तो वो थीम बेस्ड होगा या वो मैसेज बेस्ड होगा। तो सबसे पहले वी नीड टेक द चैप्टर्स लेटर टू गॉड। हम लोग सब जानते हैं द चैप्टर इज अबाउट सुपरस्टिशन, द चैप्टर इज अबाउट डी Faith on God। इसमें हम दो थीम को लेकर चलते हैं एंड इसका जो मैसेज है दैट इज कि वन शुड ट्रस्ट गॉड एंड गॉड नेवर कम्स इन हिज ओन फॉर्म, ही कम्स इन फॉर्म ऑफ अदर्स। गॉड किसी के थ्रू आता है। मैं अगर ये बोलूं कि गॉड हैजंट कम टू मी, ही हैजंट कम टू मीट मी, आई एम डेली प्रेइंग, तो गॉड इज नॉट गोइंग टू, गॉड इज नॉट गोइंग टू कम इन द वे ऑफ माय स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू कम इन वे ऑफ माय फैमिली, माय फ्रेंड, समवन हु इज सपोर्टिंग मी, वो हमारा गॉड है। तो वन शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस टू दैट एक्सटेंट दैट वी आर अनएबल टू ट्रस्ट अदर्स। हमारा जो ये चैप्टर है लेटर टू गॉड, इट इज अ सिंपल चैप्टर एंड द चैप्टर टेल्स अबाउट अ मैन कॉल्ड लेंचो, जो अपनी फैमिली, उसके ही इज हैविंग सन, हिज वाइफ, एंड ही लिव्स ऑन अ स्मॉल अपलिफ्टेड विलेज, एक छोटा सा हिल है उसके ऊपर उसका घर है। इट इज solitary, मतलब बिल्कुल अलग सा है, and from that view he could see the entire village downstairs. It was beautiful, but on the other hand it was solitary. Lencho was expecting his corn fields to be harvested. उसने corns लगा रखे थे and he was awaiting for the rain to come. He had utmost faith on God, और उसे लग रहा था कि very soon the rain would come. That particular night, he was looking at the clouds and he found, उसे पता लगा कि बारिश होने वाली है. And जैसे जैसे बारिश हो रही थी, the drizzling and then the rain, he was comparing the rain drops to the money. वो कह रहा था कि 5 पैसों और ये 10 पैसों, वो इसीलिए बिकॉज उसका कहना था, दिस हैज कम इन द पेपर, उसका मानना था कि व्हेन द रेन वुड फॉल डाउन इट वुड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स एंड ही वुड बी अर्निंग मनी, एंड द मेटाफोर ऑफ दिस रेन ड्रॉप्स इज आल्सो कि जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी उसको वो सिल्वर पॉइंट और तेज को वो जो है ज्यादा पैसों से कंपेयर करना था। नाउ द रेन वॉज फॉलिंग बट सडनली द वेदर टर्न वर्स्ट, द रेन टर्न इन टू हेल स्टॉर्म, ओले बरसने लगे एंड विद इन फ्यू सेकेंड द एंटायर फील्ड वॉज कवर्ड विद हेल स्टॉर्म, जिसको मेटाफॉर दिया गया है, जिसको कंपेयर किया गया है विद सॉल्ट। और एक क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली, उसको सॉल्ट से क्यों किया गया, शुगर से क्यों नहीं किया गया, व्हाई द कंपैरिजन हैज बीन मेड विद द सॉल्ट नॉट विद द शुगर। दिस इज बिकॉज सॉल्ट आपका जो होता है वो घुल जाता है एंड देन इट इज ऑन द व्हाइट, इट लुक्स लाइक अ शी, वेरस आपके सिल्वर, आपका जो शुगर होता है वो क्रिस्टल होता है, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंपेयर्ड विद द सॉल्ट, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था सफेद परत है। ही वाज डिसमेड, वो बहुत ही दुखी हो गया एंड अल्टीमेटली
और गुस्से में भी था, उसे लग रहा था कि now for the entire year his family is going to starve. रात को वो बैठा हुआ था and something उसको जो है it reflected. उसको लगा God never make anyone starve. God भगवान किसी को कभी भूखा नहीं रखता. If he has given this position, he is going to solve. अगर उसने ये position दिया है, तो he is the one who is going to solve. और ये सोचकर, he started writing a letter. अब इसमें एक paper में एक आपके उसमें लिखा हुआ है, Lencho was not like others. मतलब Lencho दूसरों के जैसा नहीं था. क्यों? The reason is Lencho was an educated farmer. Though he was a farmer, लेकिन उसको पढ़ना लिखना भी आता था. So he took a letter, paper, took a pen and started writing the letter to God. क्योंकि उसका utmost एक ही इंसान पर, एक ही चीज पर उसका विश्वास था और वो था God. और उसका मानना था that it is only God who is going to get me out of this trouble. Lencho was sad. He was angry.
अब उसने दोबारा एक पेपर लिया. Again he wrote a letter to the God that God, I have asked you 100 pesos and you have sent, I have received today 70. Kindly send me the rest 30 pesos. Lekin, but this time don't send it to the post office. The post office people are crooked. वो लोग सब जो हैं चालाक हैं. This अब यहाँ पर question आता है that if he was educated, then why did he have this letter to God? So, beta, the answer to this question is education doesn't have any relevance to your superstition. It doesn't have any relevance. There are people who are, if you see educated people wearing 10 fingers, they are wearing the rings, they are. Education and superstition doesn't have any relevance. Lencho, he was a superstitious knave. N-A-I-E-V, knave. Knave matlab, he was very innocent. He was superstitious. He was innocent. He was simple. अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वी कैन से दैट लेंचो वाज अ फार्मर हु वाज सुपर सिंपल अ फैमिली पर्सन येट ही वाज नेम एंड सुपरस्टिशियस. नेम मतलब ही वाज इनोसेंट एंड व्हाई बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट गॉड डजंट कम इन डायरेक्टली. गॉड डजंट हैव एनी एड्रेस. कौन सा एड्रेस है गॉड का बता दो. एनीवन ऑफ अस नो. नो वी ऑल प्रे टू गॉड. सम ऑफ अस प्रे टू लॉर्ड शिवा. सम ऑफ अस प्रे टू लॉर्ड अदर पर्सन एंड सम ऑफ अस प्रे टू एवरीवन. बट वेयर इज गॉड. गॉड इज द फेथ. गॉड इज एवरीवेयर. इट इज नॉट लाइक एवरीवेयर का मतलब ये नहीं कि एवरीवेयर. व्हेनेवर वी आर इन ट्रबल, when that trouble mounts up and that trouble is solved, जिसने हमें help किया है वो God का एक form and that he should have accepted. On the other hand, इसी chapter में आपका आ सकता है compare and contrast Lencho to the postmaster. So the postmaster was a compassionate man. He was an empathetic person. Compassionate, kind, empathetic मतलब जो दूसरों की परेशानी को समझ सकता है, जो दूसरों की परेशानी को समझ सकता है, मतलब there can be a person directly भी आ सकता, indirectly भी. तो यहाँ पर Lencho का जो character है, that is this, and if we look into the character sketch of postmaster. Now the question एक और आता है, if we are writing the character sketch of person, अगर आपके पेपर में आ गया, तो how do we attend that question related to this chapter? Any time whenever you are having the character sketch question, any question, it can be from this chapter, it can be from this diary of Amanda Jeter, sorry diary of Anne Frank, उसमें से भी आ सकता है आपके. And then आपका एक और है मैडम राइट पर बस में बनी अम्मा का आ सकता है. तो वेन यू आर एन बोली बोली एंड बोली की टीचर, इसके ऊपर आपकी कैरेक्टर स्केच आते हैं. कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए सबसे पहली जो लाइन होती है आपकी, यू शुड ऑलवेज डिस्क्राइब दैट पर्सन विद सम एडजेक्टिव्स. इन द चैप्टर लेटर टू गॉड, if you know the name of the author, penned by, अगर नहीं आता है तो आप सीधा लिख सकते हो the character of Lencho can be said to be superstitious, simple, but knave. फिर आपको बताना उसको हमने simple क्यों बोला. He was a simple man who lived with
believed he had utmost faith on God. He believed that it was God who kept us alive on this earth, and it was the God who would move us from this trouble. Lencho can be called as a superstitious person also, as he felt that God would directly come and help him. On the other hand, we can also call him as Knave. Simple term. Knave ke liye hum use kar sakte hai. Innocent, simple term. Matlab bilkul seedha saadha. Who did not have this awareness that God helps us through anyone else? Isme aap daal sakte ho, he was educated. Ye bhi daal sakte ho. Now, अगर ऐसा ही कैरेक्टर्स के जिसका आ गया पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर हु हेड द पोस्ट ऑफिस इन द विलेज कैन बी सेड टू बी अ कंपैशनेट काइंड एंड एम्पैथेटिक मैन. ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन ही सॉ द लेटर, एट फर्स्ट ही वाज मेकिंग फन ऑफ लेंचो, बट द नेक्स्ट मोमेंट ही अंडरस्टूड दैट लेंचो वाज इन ट्रबल. Next is